वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप होप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे तो प्लीज़ इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपीज़ को भी वॉच किया कीजिए देखा करिए और लाइक भी दीजिए प्लीज़ और आज की मेरी रेसिपी है मसाला बोटी चटपटी मज़ेदार सी हमारी स्पा, स्पाइसी सी हमारी मसाला बोटी है हमारी नहीं है ये बीफ की है और तो सिंपल वे है कम मसालों में बनेगी और चलिए बनाते हैं तो पहले हमने लिया है यहाँ पे पैन पैन में डाला है वन फोर्थ कप ऑयल हाफ से भी कम ऑयल जाएगा इसके अंदर एक चौथाई अब यहाँ पर हमने ली है हाफ़ अनियन यानी एक को भी आधा करके हमने रफली चॉप करके सॉरी हमने नहीं मैंने डाल दी है इसके अंदर और इसको हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक और अच्छा क्योंकि इसको हमने जो है फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके इसको निकाल लेना है देखिए ऑलमोस्ट डन हो ही गई हैं और ये देखिए प्यारा सा कलर आ गया है इसको हम अब निकाल लेंगे साइड पर करेंगे इसको निकाल के मुझे ये तरीका सही लगता है इस तरह से निकाल के इसको ऑयल भी आप किसी भी कप में या किसी बोल में इस तरह से इसको रख दें तो ऑयल भी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा ठीक है और फिर अच्छे से क्रिस्प जो है वो बन जाते हैं हमारी अनियन तो इसी पैन में अब हमने डालना है मीट मीट में ये है बीफ और ये लिया है मैंने हाफ के जी देखिए बोटियाँ बना ली हैं ये क्योंकि नाम ही बोटी है ऑलमोस्ट हर घरों में तकरीबन ये बनाई जाती है इस तरह से तो जी इस तरह बोटी की साइज़ में कर लिया हमने हाफ़ के जी लिया है वन पाउंड के करीब है ये गोश्त और इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ बना के हमने इसमें डाल दी हैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि पहले इसमें सारे मसाले जाएंगे अच्छा यहाँ है यहाँ पर लिया है टू टेबल ग्रीन चिली पेस्ट और सब मसालों को हम रचा लेंगे पहले मतलब मिक्स कर लेंगे टू टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब हम इसमें डालेंगे क्या क्या योगर्ट योगर्ट हमने लिया है हाफ कप अच्छा इसको आप मसाला लगाकर रख भी सकते हैं दो घंटे के लिए तीन घंटे के लिए बहुत अच्छा और अच्छा भी ओवर नाइट भी आप रख सकते हैं रात को मसाला लगा कर ये सब फ्रिज में रख दें और सुबह सुबह इसको जो बनाया हाँ हाँ हा, हा। तो पराठे के साथ बड़ा मजा आता है नाश्ते में ये खाने में भी तो ये भी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा तो अब हमने इसमें डाले मसाले मसाले हमारे वन टीस्पून नमक वन टीस्पून गरम मसाला वन टीस्पून स्पू वन टी तंदूरी मसाला पाउडर वन वन टेबल स्पून कश्मीरी पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च और वन टीस्पून ज़ीरा वन टीस्पून साबुत धनिया उसको हमने रोस्टेड करके उसको हमने क्रश करके डाला है और वन टी इसमें गया ब्लैक पेपर ओके अब कोई मिस अगर हो गया हो आपसे बोलने में मैंने तो सब बोल दिया है तो प्लीज़ उसको फ्री से रिप्ले कर लीजिए तो अब इसमें हमने मसाले सब डाल दिए अब ये हल्की आँच पे तो नहीं मीडियम उस पर पकेगा अच्छा ये हमने यहाँ डाला वन कप पानी अच्छा ये एडिटिंग में वन कप ही शो हुआ है लेकिन मैंने आ, कम से कम वन एंड हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला था ठीक है और ज़्यादातर ये अच्छा लगता है थोड़ा सा रसमी सा हो मज़ेदार लगता अच्छा फिफ्टीन मिनट बाद हमने ये कुक जो कवर है उसको हमने हटाया और इसमें हमने डाल दिए हैं अब यहाँ पर प्याज जो हमने निकाले थे वो क्रश करके हल्के से कूट कर उसको हमने इसमें डाल दिए हैं लेट हमने इसमें इसलिए डाले क्योंकि टेस्ट चेंज होता है चीज़ों का आप जरा इधर उधर करेंगे ना तो इसलिए मैंने 15 मिनट इसको पका दिया आफ्टर 15 मिनट मैंने इसके अंदर डाला है ताकि ज़्यादा टाइम अनियन को ना लगे क्योंकि मिठास उसकी ज़्यादा आ जाती है और करवाहट भी आती है तो अब हमने अनियन के साथ साथ हमने यहाँ पर धनिया भी इसमें डाल दिया है पुदीना हो तो डाल दें मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप किया तो वैसे पुदीना भी मजे का लगता है इसके अंदर फिर से हमने इसको छोड़ देना है फिफ्टीन मिनट के लिए और तकरीबन ये तीस मिनट में अगर आपका गोश्त अच्छा है तो गल जाएगा मेरा तो तीस मिनट में गल गया था गोश्त मेरा नहीं बीफ का सॉरी अच्छा अब यहाँ देखें डन हो चुका है हमारा मसाला बोटी तो मैंने यहाँ पर हाफ से भी मेरे पास तो बड़ा लेम, लेमन था अगर आपके पास छोटा है तो उसका आधा लेमन का जूस आप इस तरह से इसमें मिक्स करें और जो मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी मसाला बोटियाँ बनेंगी देखें मुझे तो ये सही लगा ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा रखनी है थोड़ी वो भी अच्छी लगती है तो डन है हमारी थर्टी मिनट में ये ग्रेवी सॉरी मसाला बोटी और ये देखें क्या मज़ेदार ये थी और जो नान के साथ हमने तो जो और ये जो चीज़ें आप मैंने सजाई हैं इन सब के साथ जो इसका मिक्सचर आप एक बाइट लें और ये प्याज और ये खीरा और ये टमाटर की बाइट लें बहुत मज़ा ऐसा लगेगा आप बिल्कुल किसी स्ट्रीट पे बैठ कर खा रहे हैं मसाला बोटी बहुत ही मज़ेदार है ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस को और देखते रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल बाय बाय